देखो जेडे लोग पंजाब की अमन शांति भंग करना चाहते हैं उन्होंने जी सख्त कार्रवाई जी होनी चाहिए है। पंजाब ने इस तो पहला भी बड़ा लंबा अरसा जरा संताप भोग जिदे करके जिथे सानू जानी नुकसान होया उ आर्थिक नुकसान बड़ा होया। हुण पंजाब रिवाइव कर रहे हैं, अज जरूरत है कि इतने इंडस्ट्री आवे, इतों जी शांति है जी पंजाब च बनी रहे। सो इदा के जेडे बगे अर्गे लोग अज दोबारा पंजाब की शांति खराब करना चाहते हैं, भंग करना चाहते हैं। इदा के लोग पंजाब की मैं कहना भी देश की जी एकता अखंडता खतरा ने। सो इदा के लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है ताकि जो इदा के लोगों को सबक जो मिल सके। बड़ी हैरानी की गल है कि पंजाब सूबे के हालात बिगाड़न वाली ताकतों को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी कांग्रेस ये किस हद तक जा सकते हैं, वह सबूत जो बग्गा बीजेपी वाला तेजिंद्रपाल बग्गा ये केस देखने को मिले। वह तेजिंद्रपाल बग्गा जिहड़ा किसानों को गुंडे दसदा रहा, किसानों को गाला कढ़दा रहा, जिन्हें पंजाब के हालात बिगाड़न के लिए होर पता नहीं की साजिशां कीतियां। अज जदों उस बग्गे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की नौबत आई तो जिथे बीजेपी ने सारे संविधान को छिक्के ते टंगता कानूनी तरीके गिरफ्तार करके लियांदे गए एक दोषी नूं किवें पुलिस की पंजाब पुलिस की कस्टडी के गैर कानूनी तरीके धक्के छड़ाया गया। उत्थे कांग्रेस भी पंजाब के हालात खराब करने वाले उन्होंने लोगों की खुल के सपोर्ट कर रही है। इन्हों का निशाना एको एक है कि आम आदमी पार्टी को घेरना जी कि जी जी पंजाब का भला चाहती है, पंजाब की खुशहाली चाहती है, पर आम आदमी पार्टी सरदार भगवंत सिंह मान जी अरविंद केजरीवाल जी वो इस तरह दरकतों तो साड़ी पार्टी कित झुकन वाली नहीं है। कानून के अनुसार संविधान के अनुसार इस तरह के दोषियों सज़ा दवाने की जी लड़ाई है वो लड़ा भी वो सज़ा दवावे भी पंजाब के हालात यहोजे लोगों के हथों खराब नहीं हो दिते जाएंगे।